दिस इज जस्ट ग्लिप्स. आप ये फोटोग्राफ्स थोड़ा ध्यान से देखिए. इसमें इतने सारे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे. इन सबको जोड़ा गया है और इस प्रोजेक्ट के अंडर लाया गया है. एंड लेट मी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ रिमाइंड यू, दिस इज अ जीरो फंडेड प्रोजेक्ट. मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशनल फंडिंग नहीं ली गई और ये 3 साल तक चला. सो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है. कम से कम में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये उसकी एक छवि है. सो आई विल बिगिन नाउ. आई टेक यू बैक टू 2020. पैंडेमिक होता है. आई एम अ वेरी बिजी एंटरप्रेन्योर. मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, मैं पूरी दुनिया में घूम रही हूँ. समय नहीं है मेरे पास कि मैं रुक के सांस ले सकूं. और काफ़ी वी वर जस्ट रनिंग. वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट पैंडेमिक आता है और मार्च में हमें पता लगता है. मैं यही चंडीगढ़ में एक इवेंट कर रही थी तब मुझे पता लगा. मैंने थोड़ा और पढ़ा उसके बारे में. मैंने कहा ये थोड़ा लंबी प्रॉब्लम लग रही है. मैंने स्पेन की कुछ स्टडीज देखी. मैंने कहा ये प्रॉब्लम लंबी है. मैंने अपने स्टाफ को बोला कि आप प्लीज़ मेरे पास 4-5 महीने सैलरी देने के लिए है, उसके बाद आप अपने अपनी नौकरियां ढूंढिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है हम कोई कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट सब कर पाएंगे. वो करने के बाद मैं बैठी, खुद मुझे समय मिला बैठ के सोचने का. और वहाँ पे मुझे अपने घर की याद आई, हिमाचल. वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं सिर्फ घूमने जाती हूँ. मैं भी टूरिस्ट की तरह ही आती थी, कभी कभी क्लीन अप्स कर लेती थी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आके. तो यही था, इससे ज़्यादा हिमाचल के साथ मेरा कोई वो इंटरेक्शन नहीं था. बट ये टाइम मिला मुझे और मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि मैं ग्रास रूट्स पे कुछ करना चाहती हूँ. इतना सारा दुनिया का एक्सपीरियंस क्या हम एक गाँव में लगा सकते हैं. तो वो करके अप्रैल 2020 में विद इन अ मंथ सोचते सोचते मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट का आइडिया है. अब ये एक प्रोजेक्ट नहीं था, तब ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में द आइडिया वॉज दिस, क्या मैं सोशल साइकोलॉजी मतलब इंसानों का ग्रुप बिहेवियर, उसको सिस्टम्स थिंकिंग अप्रोच. मतलब एक सिस्टम है, हम सब एक, जैसे आप अभी एक गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है. जो गवर्नमेंट कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब जगह स्टैंडर्ड है. सबको एक ही टाइप का पेपर वर्क करना है. आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स को एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है. ये एक सिस्टम बना हुआ है. सो अप्रोच, सिस्टम्स थिंकिंग अप्रोच की सिस्टम में बैठ के आपने उसको लगाना है, अपना गणित लगाना है. सो क्या हम इंसानी दिमाग, जो जिस जगह को मैं चूज़ कर, अभी तक मैं चूज़ नहीं करी थी जगह, और मैं जलोड़ी पास के बारे में कुछ नहीं जानती थी. माय आइडिया वाज दैट कैन सोशल साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स थिंकिंग क्रिएट अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल. सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है जो खुद ब खुद चले, जिसके लिए आके किसी को बार बार धक्के ना मारने पड़े, किसी हीरो की ज़रूरत ना हो जो आके बताए कि हमें दुनिया बचानी है या हिमालय बचाना है. हिमालय कोई नहीं बचा सकता, ये बात हमें हम्बल होके समझ जानी चाहिए. हम सिर्फ अपनी लोकेलिटी को समझा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम दिमाग लगाएं तो हम उसे सेल्फ सस्टेनिंग कर सकते हैं इन दो मेथड से. तो अभी मुझे नहीं पता था कि मैं ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट, एक साइंस, आप लैब में जाओगे ना तो एक साइंटिस्ट करता है कि सबसे बड़ा चैलेंज अपने आप को देगा कि इस एक्सपेरिमेंट में जो मेरे वेरिएबल्स हैं सबसे चैलेंजिंग कौन से होंगे. अगर मैं उनको पा लेता हूँ, उसके ऊपर काम कर लेता हूँ, तो मैं बाकी जगह पे जहाँ सेफ फंड्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, वहाँ मैं आसानी से उसको रेप्लिकेट कर पाऊँगा. तो मैंने अपने आप को दिए नेक्स्ट डिज़ाइन के चैलेंजेस. टेरेन, मतलब आप सबसे टफ टेरेन, मैं ढूंढ रही थी कि सबसे टफ टेरेन कहाँ होंगे. ऐसी टेरेन जो जिसके लिए ट्रैवल मुश्किल है, जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है. बट क्योंकि मैं हिमाचल सोच रही थी तो मैं हाई ऑल्टीट्यूड सोच रही हूँ. सो मेरा यहाँ पे चैलेंज होना था हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन. नेक्स्ट स्टेक होल्डर, मुझे ऐसी एक जगह चाहिए थी जहाँ सब बंटवारे में जी रहे हैं. मतलब एक बांधता है, वहाँ पे टूरिज्म है, वहाँ सिस्टम भी एक चल रहा है, वहाँ पे लोकल कम्युनिटी भी है, पर उनमें यूनिटी नहीं है और वहाँ कचरे की समस्या है.
सो वो मेरा सेकेंड वेरिएबल था इस एक्सपेरिमेंट को और टफ बनाने के लिए. और तीसरा प्रोजेक्ट फंडिंग, जो इनिशियली मैंने सोचा था कि इसके लिए अगर मुझे फंडिंग मिल जाती है तो मेरे काम आसान होते हैं, मतलब मेरे खुद के जीने के. इस प्रोजेक्ट को करने का मतलब ये था कि मैं अपनी इनकम सोर्स, जो मैं जिन चीज़ों पे काम करती थी उनको मुझे छोड़ना पड़ा कुछ समय के लिए. वो 3 साल की बात है, आगे वो मुझे नहीं लगा था कि ये 3 साल तक चलेगा, बट किसी ना किसी तरह मैंने इसको संभाला. सो जीरो फंडिंग वॉज आर बिगेस्ट चैलेंज, बट आई थॉट ओके. ये हमेशा से मेरी मेरा खुद को चैलेंज रहा है कि कम से कम रिसोर्स में हम कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं. सो दीज वर द मेन चैलेंजेस. ओके, अब ये मेरी प्रोजेक्ट साइट. आप में से जलोड़ी पास गया हूँ, सरोलसर लेक. आप तो जिद्दी से हो. नहीं, यू लुक लाइक समवन फ्रॉम जिद्दी. ओके ओके ओके, डू यू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट? खना? ओ ग्रेट, ठीक है, तो आपके गांव में सब जानते हैं. सो हमारा ये जो साइट है, अगर आप जलोड़ी पास नहीं गए हैं इस प्रोजेक्ट के बाद, जरूर इस सेमिनार के बाद कभी ना कभी टाइम लगा के जरूर जाना और वहां पे खुद अपनी आंखों से देखना क्या चीज हुई है. सो जो साइट है जलोड़ी पास, ये 10,000 feet पे है, 10,260 feet हाई ऑल्टीट्यूड. ये पास है जो क्लोज हो जाता है, सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे गाड़ियाँ आना मुश्किल होती है, 9 फीट की बर्फ होती है. यहाँ पे 2 टूरिज्म साइट्स हैं जो काफ़ी अच्छे से चलती हैं. वो एक है रघुपुर फोर्ट, जो 3 किलोमीटर स्टीप हाइक है जलोड़ी पास मेन हाईवे से, और दूसरी है 5 से 7 किलोमीटर सरोलसर लेक, जो एक मॉडरेट हाइक है. रघुपुर फोर्ट में यूजली यूथ वहाँ पे काम करता है, वो काफ़ी टफ जगह है रहने के लिए. वहाँ पे सिर्फ कैंप्स हैं, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है. और जलोड़ी पास पे उस समय ढाबे होते थे, अभी वहाँ पे कुछ चेंजेस आए. देन देयर यूज्ड टू बी वन कैंप जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लीज आउट किया था, जो मेरा जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा बेस कैंप बना फॉर 2 मंथ्स इनिशियली. और जो हमारी साइट है ये सरोलसर लेक, यहाँ पे कुछ तब 7 से 8 स्टेक होल्डर्स थे, लोकल्स थे जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना के रह रहे थे. अब उनके स्ट्रक्चर्स भी वहाँ नहीं है, बट वहाँ 27 स्टेक होल्डर्स अब ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं. तो ये इनिशियली मेरा मैप था कि मेरे पास 9 किलोमीटर का जोन है, मोटा मोटा 9 से 10 किलोमीटर का टोटल जोन है. और इस जोन में क्या हम एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल क्रिएट कर सकते. इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए कि कहीं भी एक कम्युनिटी, जैसे मैं आपके पास आती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि भाई आपको सारी चीजें सफाई करके रखनी है, आप ही को उसको उठाना है, आप ही को उसको ठिकाने लगाना है, तो आपको कि भाई सॉरी इट्स नॉट माय जॉब, मेरे पास और काम भी है करने को, तो आप फटाफट उससे हाथ पीछे करना. क्योंकि मेरी सोशल साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग थी और मुझे पता था कि सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान को या एक कम्युनिटी को देना ठीक भी नहीं है और वो लास्ट भी नहीं करेंगे. वो 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे. सो जो ये प्रोजेक्ट था इसमें मेरे स्टेक होल्डर्स इसमें डेवलप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकल टूरिज्म बिजनेसेस जिनका लाइवलीहुड वहाँ से चलता है, जिनके एवरी डे इनकम वहाँ से आती है, दे आर योर फर्स्ट स्टेक होल्डर्स. द नेक्स्ट स्टेक होल्डर इज द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, जिसके आकर महिला मंडल भी आती है, वो उनके साथ गिव और टेक रिलेशनशिप होता है महिला मंडल का. महिला मंडल कभी कभी उनके लिए कुछ काम करती है इन एक्सचेंज फॉर इधर मनी, और उनको कोई सीमेंट की बोरी दे दिया, कुछ दे दिया. ये बाद में मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है, बट मुझे एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एक ब्लॉक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हु आर द रिप्रेजेंटेटिव जिनको टूरिज्म लाइवलीहुड्स को आगे बढ़ाना है, जिनका काम ही है. फिर आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, स्पेसिफिकली इस रीजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही रूल चलता है, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज एवरीवन इज इलीगली सिटिंग, राइट. सो उन्हें कभी भी वहाँ से निकाल दिया जाता था, कभी भी उनके जो स्ट्रक्चर से तोड़ दिए जाते थे, और हमेशा एक डिस्कॉर्ड बना रहता था. लोकल्स ना फॉरेस्ट से बात करते थे, ना फॉरेस्ट वाले लोकल्स से बात करते थे, और सरप्राइज अटैक होता था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था. जो इतनी मेहनत से लोग अपने स्ट्रक्चर्स बनाते थे, चाहे वो इलीगल हो या ना हो, उस पर अगर सरप्राइज अटैक हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा. सो देयर इज अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनके रूल्स और रेगुलेशन सेंटर के हिसाब से चलते हैं,
विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, इनके रूल्स और रेगुलेशन स्टेट के हिसाब से नहीं चलते। फिर आपके टूरिस्ट ऑब्वियसली, जिनको हम बोलते हैं कि वो ही लिटर करते हैं, विच इज़ नॉट द केस बाय द वे, लोकल्स भी बहुत लिटर करते हैं, कई बार टूरिस्ट नहीं करते और लोकल्स कर देते हैं। उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, जब आप कचरा देखेंगे तो आप उस पर कचरा फेंकेंगे, तो जब जहाँ पे भी कचरा होगा वहाँ पे आप कचरा बढ़ते ही हुए देखोगे। दैट्स जस्ट अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल वे ऑफ पीपल रिएक्टिंग, जिनका माइंड है नहीं उसकी तरफ, उनको नहीं फर्क पड़ता। फिर हमारी कल्चरल एंटिटी, हिमाचल में देवभूमि में स्पेशली कल्चरल एंटिटी एक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा देवी और देवता की मानता है, अगर देवी और देवता ने कुछ बोला है तो वो बाय द टी उसको फॉलो किया जाएगा, उसके अंदर ना किसी की इग्नोरेंस चलती है और अगर कोई इग्नोरेंट होता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट सिनेरियो है। सो ये कल्चरल एंटिटी हमारा स्टेक होल्डर बन जाता है, मतलब टेम्पल अथॉरिटीज हो गई, आपके कार्यकर्ता हो गए जो देवी देवता के साथ होते हैं, अगर कोई गुरु है वहाँ पे तो उनके साथ भी आप बात करके, मतलब मैंने अपनी तरफ से ये मेरा होमवर्क था जो मैंने पहले ही कर लिया। फिर है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का काम है सैंक्शंस लेके आना उस जगह, किसी भी जगह पे अगर कोई भी कोई काम करना चाहता है सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में पहुँचते हैं, चाहे वो लोकल्स हो या वो BDO हो या पंचायत हो, किसी को भी जाना है वो सीधा पब्लिक ऑफिस में पहुंच के अपनी अर्जी लगा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एक स्टेक होल्डर ज़रूर है और उनकी पोस्टिंग होती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे पूरा समय बैठेंगे, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तो मुझे थोड़ा दिमाग से इस पर काम करना पड़ा था। इनको सबसे पहले हमने इंगेज नहीं करा, पहले हमने बाकी सारा काम करें, क्योंकि नेक्स्ट आप देखेंगे आप लोग ज़रूर ये तीन फेजेस में प्रोजेक्ट डिवाइडेड है, और उस समय मुझे भी नहीं पता था कि ये कब तक चलेगा, पर अब हम कूद गए हैं तो हम कूद गए। तो फेज वन डेट्स आप ज़रूर याद रखना, कि हम कल्मिनेट जब करेंगे कि हमें पता लगेगा ये काम एक साल के अंदर भी हो सकता। हाँ, बट क्योंकि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के वेरिएबल्स को बहुत टफ रखा था और मैं उससे चीटिंग नहीं कर सकती थी, ताकि हमें एक्चुअल प्रूफ मिले और रिजल्ट पता लगे कि रेड टेप, मतलब सिस्टम की जो रेड टेप होती है, पेपर वर्क होता है, इस सबको एक्चुअली में फॉलो करने में कितना टाइम लगता है। सो फेज वन था September to November 2020। मैं अभी काफ़ी फिट हूँ, उस समय मेरा वेट 80+ था और 10,000 feet पे मैं जाके बैठ तो गई, लेकिन बहुत मुश्किल हुई, मैं 2-2 दिन में बीमार हो जाती थी। हर रोज़ हाइक पे जाना, हर रोज़ लोगों से मिलना, सो सबसे पहले मैंने रेकी शुरू करी। रेकी का मतलब ये हुआ कि आप जाके थोड़ा समझते हो, कि मैंने सोचा 10-15 दिन देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी है, क्या यहाँ कुछ हो सकता है, या यहाँ मामला गया गुजरा। तो मैं सबसे पहले सरोसर लेक गई, सरोसर लेक पे आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव, आई फेल्ट लाइक मुझे एनकरेजमेंट वहीं से मिल गया। उसके बाद मैं रघुपुर गई और मैं जलोड़ी पास के जो ढाबे पहले होते थे उनके साथ जाके मिली। वहाँ के कचरे की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल आउट ऑफ हैंड नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं था कि हम पार्वती वैली में बैठे हैं और वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, या मनाली में बैठे हैं वहाँ ओवरफ्लो हो रहा है। तो उसको बचाने की जो कोशिश है, मुझे लगा ये हो सकता है। सो रेकी फिनिश करते ही साथ अब मैं वापस आना जाना कम रिसोर्सेज में, सो आई थॉट मैं यहीं रहती हूँ। तो 2 महीने में फिर जलोड़ी पास पे रही हूँ 10,000 feet पे, और नहाने के लिए मैं बंजार जाती हर 5 दिन। सो ऐसा मेरा सिचुएशन था उस समय। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सोशल साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स आपको बता रही हूँ, वो उसका मतलब ये है कि कैसे मैं एक ग्रुप में आपके साथ बात कर रही हूँ, फिर मैं आपसे साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी बात करूँगी, मतलब मैं आपके पास अकेले आके जानना चाहूँगी कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने कभी इसके बारे में सोचा है। तो IEC उसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। IEC एक फॉर्मेट है जो पोलियो ड्रॉप्स, देखे आपने पोलियो ड्रॉप्स देने आते हैं, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ IEC, गवर्नमेंट का IEC चलता है। वो आगे चेक करेंगे 2 बूंद जिंदगी के सबको मिले हैं कि नहीं मिले, फिर पैंडेमिक के टाइम में सबने वैक्सीनेशन लगाया है कि नहीं लगाया, उसमें क्यों लगाना चाहिए, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वो भी IEC ही होता है। तो ये IEC फॉर्मेट है।
बट मेरा आईसी थोड़ा सा अलग था क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई कर। और तीसरी चीज जो बाय द एंड ऑफ द फेज वन वाज मार्केटिंग। कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हैं उसकी मार्केटिंग आपको करनी ही है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, या उस आउटकम को रिलेटेड है कि इससे मुझे ये आउटकम चाहिए, तो आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। बिना मार्केटिंग के दुनिया को नहीं पता चलेगा, और दुनिया को पता नहीं चलेगा तो वो आगे बात बढ़ नहीं पाएगी। आप देखेंगे आगे कैसे। ओके, सो व्हेन वी वर डूइंग रेकी, ये मेरा बेस कैंप था, यहाँ पे मैं रुकी थी। थोड़ा बहुत मैंने चेक किया कि क्या हो रहा है वहाँ पे। हिमालय नेचर कैंप के स्टाफ के साथ हम थोड़ा बहुत क्लीन अप कर लेते थे, बट क्लीन अप फेज वन में नहीं हमने ज़्यादा किया। थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से, थोड़ा बॉन्डिंग करने के लिए दो तीन लोग स्टाफ मिलके क्लीन अप कर रहा है अपने घर के आसपास, अपने कैंप के आसपास कर रहे हैं, कहीं और नहीं जाके हमने कोई क्लीन अप किया। अब आईसी बाय द एंड ऑफ फेज वन ऑल लोकल बिजनेसेस उन सब ने अपना हाथ मेरे साथ जोड़ लिया। क्यों? मैं बाहर से आई थी, माना मैं लोकल हूँ लेकिन मैं कुल्लू से नहीं हूँ, राइट? मैं वहाँ की लैंग्वेज नहीं बोलती हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप आज तक हम क्या गलत करते आ रहे हैं, हम जाके ज्ञान लेते हैं, हम जाएंगे और बैठेंगे। अभी मैं आपको 3 साल बाद ये केस स्टडी बता रही हूँ। अगर ये केस स्टडी के बिना मैं आपको ज्ञान देने आती तो आप मेरी बात नहीं सुनते, मैं कुछ प्रूफ करके आपके पास नहीं हूँ। तो ज्ञान देने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है कभी भी किसी कम्युनिटी के साथ आप काम कर रहे हो। वो क्या चाहते हैं, वो कितने इंटेलिजेंट हैं। हमें कई बार लोग आते हैं और वो अज्यूम करते हैं कि गांव वाले हैं, इनको कुछ नहीं पता होगा, और उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने इतने सालों से जो टूरिस्ट देखे हैं, कोई फॉरेनर आ रहा है, पहले तो ये सारे रेंजेस में फॉरेनर्स होते थे, वो कुछ ज्ञान अपना शेयर करते थे, ऐसे करके एवरीवन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग, बट उनको पता नहीं है कि मैं इस इतना सा करूँगा तो उससे क्या होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज लिसनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आस्किंग क्वेश्चंस। हाउ आर यू, आपका बिजनेस अच्छा, पैंडमिक चल रहा है, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, ओके, तो आप इसके अलावा क्या करते हो? अच्छा, आप खेती बाड़ी करते हो, तो एप्पल ठीक है, प्लम ठीक है। आप जानना चाहते हो कि इंसान की क्या चाहता है, आप क्यों टूरिज्म करना चाहते हो, आपको क्या मज़ा आता है इसमें। कईयों को तो बहुत मज़ा आता है कि नए नए लोग मिलते हैं, कईयों के पास वही एक सोर्स ऑफ लाइफ भी हो रही हो। सो आप जब किसी को पूछोगे और वो अपने दिल के हाल आपको बताएंगे, कई बार वो नेगेटिव होते हैं, कई बार वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपने उनको एक स्पेस दी कि कोई उनको सुने। और रिसीविंग आंसर्स, मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे जवाब दिया, मैंने ओके बोल के उसको वहाँ पे क्लोज किया। मैंने आपको ये नहीं बोला पर आप ऐसे करो, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ, या जो भी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है जाके, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जाके वो सबको उसके आंसर्स दे। जस्ट रिसीव योर आंसर्स। सो दिस वॉज एन आई सी वेन दे कुड फील, दे कुड कनेक्ट विद मी, आई वॉज लिसनिंग टू देम, एंड दैट क्रिएटेड ट्रस्ट। साइकोलॉजिकली और सोशल साइकोलॉजी में भी ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें आज तक हमने कोई ना पैसे की बात करी, और तब तो मैं पैसे देती भी थी उनको खाने पीने के, उसके बाद उन्होंने मुझसे पैसे लेना बंद कर दिया। मैं कितनी भी कोशिश करती थी कि नहीं, वो जितना घी डाल डाल के मुझे खाना खिलाते थे, उसके बाद एक रिलेशनशिप क्रिएट हो। उसके बाद ऑब्जर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग द कल्चर। ये हो सकता है कि आप किसी और कल्चर से आ रहे हो और आपको उटपटांग लगे। कई बार लोग आके पूछते हैं कि यहाँ बलि चढ़ती है, और काफ़ी लोग आके ये भी बोलते हैं कि यार ये सही नहीं है, लेकिन इसको बोलने से पहले आप ऑब्जर्व करो कि ये क्यों होता है, और ये कब से होता आ रहा है, और इसकी मान्यता एक कम्युनिटी में क्यों है, क्यों एक देवली होती है, क्यों उसके अंदर सब वॉट एवर इज प्रोड्यूस द फूड पूरी कम्युनिटी इकट्ठा वो एनर्जी शेयर करती है, और किसी की खुशी में सब शामिल होते हैं, ये एक पुराना कल्चर है। एंड यहाँ हमेशा से वेजिटेबल्स तो उगते नहीं थे। सो ये चीज़ें मैंने अपने आप को नहीं बोली हैं, मुझे खुद ही बताई है, क्योंकि मैंने वहाँ पे चुपचाप से हाथ जोड़कर ऑब्जर्व किया। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, उसका कल्चर आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कैजुअल एंड फ्रीक्वेंट एजेंडा लेस मीटिंग्स. मतलब मैं बस बैठी हूँ, हालचाल भाई जी, राम राम, घूमते घूमते. कई बार हमने कुछ भी नहीं किया, 2 महीने मैंने सिर्फ ये किया है. नो क्लीन अप्स विद एनीबॉडी, जस्ट सिटिंग विद देम. कुछ नहीं तो शांति में सब बैठे हैं इकट्ठा, कुछ किसी को मदद कर दी, कभी कुछ वॉलंटियर कर लिया. जिस कैंप में मैं थी वहाँ पे मैं बेलचे चला रही थी और मेरा वेट भी कम हो रहा था उस चक्कर में. तो यू नो यू टेक द टाइम टू सोक इट इन, क्योंकि हम जैसे ही बम्बार्डमेंट करना शुरू करते हैं. सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी बेसिकली. आपको मैं डिजाइन दिखाऊंगी. सिर्फ एक बार इस प्रोजेक्ट में फेज वन में मार्केटिंग हुई है, लिटरली पोस्टर्स वगैरह के साथ जो मैंने एंड ऑफ फेज वन में की. उसके बाद वो पोस्टर्स आज भी आपको मिलेंगे. 4 साल हो चुके हैं इस बात को. वो पोस्टर्स आज भी काफी सारे कैफेज में संभाल के रखे हुए हैं. अगर उनके आके फॉरेस्ट तोड़ भी देता था तो उसको पोस्टर को हटा के उसके बाद वो वापस पोस्टर लगा देते थे. क्योंकि उसमें मैंने कलर थियोरी थियोरी पे काम किया था. कलर थ्योरी के हिसाब से आप कितने ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हो. टूरिज्म में भी जब हम अपने बिजनेस के पोस्टर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी सारे पोस्टर्स देखे होंगे, जो कलर थेरेपी समझ गया वो अटेंशन ग्रैब कर पाएगा. मिनिमल डिज़ाइन, मतलब कम से कम. बहुत सब कुछ लिखा होता है ना तो इंसान का ध्यान नहीं जाता उसके अंदर. तो आपको मिनिमल अपना डिज़ाइन रखना है. आपकी लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, बोथ इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए. और कम से कम जगह पे लगाना है. ज्यादा से ज्यादा जगह पे आप पोस्टर लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा. एक बार मेरे क्लाइंट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे क्लाइंट रह चुके हैं. उनको मैंने सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंसी कुछ सालों पहले करी थी उनके, और उन्होंने एक इवेंट के लिए अपने पूरे जगह पे हंड्रेड्स ऑफ एस बी आई करके लगा दिया. और उसके बाद भी उनकी कोई भी ना सोशल मीडिया मार्केटिंग हो पाई, किसी ने जाके SBI को चेकआउट नहीं करा. तो उन्होंने आके जब हम मेरे से बात हो रही थी एट द एंड ऑफ द इवेंट, हमसे तो सर ये 100 लगाने का किसका आइडिया था. वो देखिए कि हमारा इवेंट है तो हमें लगा जितना दिखे. मैं कह यू आर वेस्टेड द मनी, यू आर वेस्टेड द फ्लेक्स एंड यू हैव वेस्टेड अटेंशन स्पेस. यू हैव टू ग्रैब अटेंशन. सो इफ यू हैव टू ग्रैब अटेंशन लिमिटेड जगह पे, मतलब पार्किंग है उधर एक लगा, थोड़ा आगे ट्रेल चल रहा उधर कुछ मत लगाओ. पीपल आर एंजॉयिंग द फॉरेस्ट, कोई नहीं पड़ेगा वहाँ पे. जहाँ वो कैफे में रुके हैं, कैफे में जहाँ वो बैठे हैं उसके सामने लगाओ. सो यू हैव टू ऑल्सो क्रिएट मिनिमल स्ट्रेटजी. बेसिकली अगेन कम से कम में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, ये बॉर्डर लाइन, मतलब आपका ये फाउंडेशनल स्पेस है इस प्रोजेक्ट में. So these were the creatives. हमने कुछ ये इंद्रजीत हैं, एक म्यूजिशियन. मुझे पता नहीं था तब कि मैंने इंद्रजीत को ही बना दिया इसके अंदर. और ये पोस्टर हमने लगाया और उसके बाद काफ़ी लोग बड़े खुश हुए इसको देख के. और हमने इको ब्रिक कैसे बनानी है, सबका एक पोस्टर लगाया, सिर्फ वन, ओनली वन बिग पोस्टर इन फ्रंट ऑफ द पार्किंग. एंड अदर देन दैट लोकल्स ने एक दो पोस्टर्स अपने पास लगाए. ओके, नाउ फेज टू. अब फेज टू शुरू होता है स्नो विंटर के बाद, 2020 नवंबर. मैं वहाँ से, अच्छा है मैं वहाँ से चली गई वरना मैं काफ़ी लंबा बीमार हो जाती. मैं वहाँ रहने के लिए बिल्कुल फिजिकली केपेबल नहीं थी उस समय और मेरा जाना ज़रूरी था. पर मुझे ये भी था कि कैसे मैं सबका अटेंशन, कि मैं चली गई हूँ तो मुझे याद कैसे रखेगा. इसलिए मैंने पहले मार्केटिंग कर दी कि पोस्टर सबको याद दिलाएंगे कि मैं वापस आऊँगी. नाउ फेज टू में हमने किए क्लीन अप्स. फेज टू चला है मार्च 2021 टू अप्रैल 2022, 1 ईयर. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फेज जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, ये जो सारे स्टेक होल्डर्स मैंने आपको पहले बताया थे, उनके साथ एंगेजमेंट करना है. और सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम हैं उस सिस्टम में है तो सिस्टम, पर वो सिस्टम में गैप क्या है, ये आइडेंटिफाई हमें फेज टू में करना है. ओके, उसके लिए फेज टू में कुछ फाउंडेशनल जो एक्सपेरिमेंट में मैंने चीजें ट्राई करी, उनमें सबसे पहले एक चीज थी कि किसी को भी
उसका काम और उसकी दुनिया है उसके बाहर काम नहीं देना, उसको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी। आप ने पोस्टर देखा था, ये इस सेमिनार का पोस्टर देखा था सबने, थिंक इनसाइड द बॉक्स, नॉट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक इनसाइड द बॉक्स। एवरी टाइम यू मीट समबडी, अभी आप लोग की विंटर हॉलीडेज शुरू होगी, आप सब अपने अपने घर जाओगे, आपके कोई फेस्टिवल्स होंगे, आपके कोई फैमिली अफेयर्स होंगे, आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे सब कॉलेज क्या होता है। मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बात करते हो कभी कभी, सो आपकी दुनिया जो है आप उसके अंदर ही रहना पसंद करते हो। वी ऑल लिव इन आवर ओन बबल, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आप सबके अपने अपने कुछ ही टाइप के दोस्त होंगे, उनके साथ आप कहीं स्पेसिफिक जगह पे पार्टी करने जाते हो, या आपका स्टडी ग्रुप बना है, आप उनके पास बैठे हो, तो आपकी लाइफ बहुत कंस्ट्रिक्टेड है। सिमिलरली सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, फॉर एग्जांपल सर, सर आप पढ़ाते हो यहाँ पे, और आपको कोई आके बोल दे कुछ बोलना आपको, आपको कोई आके बोले कि यस सोशियोलॉजी की भी क्लास ले लो चार पांच, तो आपको कहे बट दैट्स नॉट माय जॉब, माय जॉब इज टूरिज्म, आई हैव अ करिकुलम एंड आई हैव टू फॉलो दैट, और मैं इसी को अगर 100% कर लेता हूँ तो वो मेरी लाइफ का एक सक्सेस है। हर एक इंसान, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्टेक होल्डर का अपना अपना मैंडेट होता है। आपको सिस्टम में जो मैंडेट ऑलरेडी है उसको यूज करोगे अगर आप, तो हर एक इंसान हीरो बन जाता है। और अगर हर एक इंसान हीरो बन जाता है तो हमें एक हीरो की ज़रूरत नहीं है जो सबको गाइड करे, सब उस सिस्टम को इकट्ठा काम करे, उनको पता भी नहीं लगेगा। तो प्रिंसिपल मैम है, उनके पास सारे के सारे आपके प्रोफेसर्स हैं, सबके प्रोफेसर्स के पास अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं। कभी कभी हम एडहॉक भी आ जाते हैं कि वो उनको मदद कर देंगे, लेकिन आप उनको अपने डिपार्टमेंट से बाहर कुछ काम दोगे, पहले तो उनके पास वो समय नहीं होता, दूसरा उसके लिए उनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं। तो हमें हमेशा जब भी हम सिस्टम्स थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं, फेज टू में मैंने वो यूज़ किया, हर एक स्टेक होल्डर को अपना अपना काम दिया, और सबके साथ सेपरेट एंगेजमेंट करनी है और कोई बैनर यूज़ नहीं करना है। मैं टाटा बिरला की तरफ से नहीं आई, तो फंडिंग ना लेने का मतलब ये था कि मुझे ये नहीं बोलना था कि प्रेजेंटेड बाय और स्पॉन्सर्ड बाय, राइट? इफ यू से स्पॉन्सर्ड बाय इट बिकम्स अ बैनर, इट इज समबडी एल्स, उनकी मार्केटिंग हो रही है, उनका ब्रांड हो रहा है। तो कैसे? नो स्पेसिफिक बैनर, मतलब हम जलोड़ी पास में हैं तो हमारा नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट जलोड़ी। एवरीवन गेट्स एंगेज्ड, बट देयर इज अ सेपरेट एंगेजमेंट। ओके, सो फेज टू हमने शुरू किया। जब फेज टू में मैंने जानबूझ के लोकल्स को इन्वॉल्व नहीं करा, जब हम शुरुआत कर रहे थे, हमेशा आप इंस्पिरेशन बाहर से देखते हैं, ढूंढते हैं, और इसीलिए जो फर्स्ट मास क्लीनअप हुआ था मार्च में, जैसे ही मैं वापस आई हूँ, वो इन लोगों के साथ हुआ था। इनमें से दिस गर्ल एंड दिस गर्ल, शीना एंड अनुप्रिया, ये सारे लोगों को लेके आई। मैंने दो कॉल्स किए, I need all the tourists and guest houses around these places. So how many people can come? So 27 people showed up. 27 people plus mera doggy bhi tha uske andar. Aur mere doggy ne bhi plastic ki bottles uthai, jisko dekh ke log kafi zyada inspire ho gaye. Aur uski videos viral hui thi uske baad. So these were the first group. Iske baad humne kabhi bhi tourists ko ya outsiders ko specifically groups ke liye nahi bulaya. इनका काम था इनॉग्रेशन करना। कोई भी अभी जैसे मैं आपको बोलूंगी अच्छा हाथ खड़ा करो और बताओ, तो पहले सब एक दूसरे को देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे मुझे पता है पर मैं क्यों बोलूं, राइट? सो वो चीज को कट करने के लिए बाहर से इंसान लिया जाता है जो बहुत स्मार्ट दिख रहा है, वो सारा काम आपके लिए करके दे रहा है, सबको अंदर से लगता है हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। सो ये हमारा सबसे पहला सोशल साइकोलॉजी ट्रिक था जो मैंने इसको यूज करा। नेक्स्ट थे हमारे लोकल्स। ओवर द पीरियड ऑफ वन ईयर लोकल्स के साथ, चाहे वो जलोड़ी पास पे हो, या वो मंदिर पे हो, या वो रघुपुर फोर्ट पे हो, इन सब के साथ अलग अलग तरीके से मैंने बहुत
स्पेंड करा। पहले मैं चंडीगढ़ दिल्ली से वापस आ रही थी जा रही थी और मेरे जेब में पैसे खत्म हो रहे थे और आई थॉट कि शायद फेस टू के बाद ये प्रोजेक्ट बंद ना करना पड़े, बट इन सब के जो इन्वॉल्वमेंट रहा है और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया उसके बाद तो मैंने कहा कि नहीं रह रुकते हैं, ये प्रोजेक्ट को पूरा अंतकाल तक लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। सो लोकल्स ने अपने अपनी तरफ से उनको क्या अगेन मैंडेट क्या होना चाहिए जो आपके बबल में है, ये अपने कैफे में कर रहे हैं, ये अपने ट्रेन पे कर रहे हैं, ये अपने मंदिर के पास कर रहे हैं, ओके ये जलोड़ी पास पे कर रहे हैं, ये बागा दीदी है ये लेक के पास सफाई कर रही हैं जिसके पास इनका ढाबा था। सो एवरीवन वाज जस्ट आस्क कि अपने आसपास जो भी आपके पेरिफेरी में है एक गोल चक्कर ऐसे देखो और जितना वहां दिख रहा है आपको जो जहां तक आपकी नजर जा रही है बस वहां तक आप करो। सो नन ऑफ देम नॉट ऑल ऑफ देम ये तो कभी भी ट्रेल पे आते ही नहीं थे तो ट्रेल के लिए क्या किया जाए, तो ट्रेल के लिए अब नेक्स्ट वीडियो को एंगेज किया। अब वीडियो विजय शर्मा ही वाज द जेई इन द वीडियो, मैंने काफी समय मुझे 2-3 महीने लगे इन सब के साथ पहले तो पता करने में कि इनका मैंडेट क्या है। पहले मैंने जाके पता किया कि वीडियो को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दी हुई है, उनको किस चीज़ के फंड्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, हमें वही इस्तेमाल करने हैं और वो मेरे पास नहीं आएंगे, वो ये अपने में एक्सचेंज करेंगे। सो मैंने वीडियो से डिस्कशन किया कि सर स्वच्छ भारत के अंडर आपको सफाई भी करवानी है प्लस ब्लॉक डेवलपमेंट का काम है टूरिज्म लाइवलीहुड्स को अपहोल्ड करना, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, क्या हम महिला मंडल की हेल्प ले सकते हैं, तो पर महिला मंडल आएगी क्यों, तो मैंने कहा आपके पास जो फंड्स हैं वो आप महिला मंडल के साथ शेयर करिए, वो आके हमारा फॉरेस्ट जो है उसको फ्रेश स्टार्ट देने की ज़रूरत है। तो 7 महिला मंडल अभी तो बहुत कम दिख रहे हैं इसमें, मैं आपको और फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ, 7 गाँव के महिला मंडल आए थे, खनाक से पूरा ग्रुप आया था, खून से आया था, ऑल ऑफ दी 7 महिला मंडल्स दे केम इन एक्सचेंज, ईच महिला मंडल दे गॉट समथिंग फ्रॉम वीडियो। अगेन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मैं सिस्टम को जोड़ रही हूँ इंटरनली, गैप क्लोज। सो द वीडियो से एक बार महिला मंडल वॉन्टेड कि हमें सीमेंट की बोरियाँ चाहिए जी, हमारे को अपना रूम खड़ा करना है, तो उनको सीमेंट की बोरियाँ दी, उस एक्सचेंज में आके उन्होंने आज काम किया। फिर उसके बाद मेरी उनके साथ काफ़ी मुलाकात भी हुई और मैंने इनको थोड़ी ट्रेनिंग और दी एंड आज जलोड़ी पास का टॉप है महिला मंडल ही संभाल रहा है वहाँ पे और कोई ढाबा नहीं। ओके दिस इज अ बिट टफ, ओके फॉरेस्ट इजी होना चाहिए वैसे तो, ये फॉरेस्ट का तो काम ही है फॉरेस्ट को मेंटेन करना, बट जी नहीं वर्दी में तो नहीं करेंगे, इस चीज को कैसे क्लोजिंग किया जाए, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी कि फॉरेस्ट को भी आप इन्वॉल्व करें, फॉरेस्ट गार्ड्स आके वहाँ पे पूरा समय चक्कर लगाते हैं, उनके अपने काम होते हैं। सो मैंने वहाँ के DFO डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर केवी नेगी इनसे बात करी, मैंने कहा सर ऐसे से ये प्रोजेक्ट है, जंगल तो आपके अंदर है, काम हम सब कर रहे हैं, तो आप महात्मा गांधी जयंती आ रही है आप थोड़ा बताइए, तो गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपना पूरा स्टाफ भेज दिया, ये अभी तो बहुत कम है, इनके और स्टाफ मेम्बर्स आए थे और इन्होंने जिस प्रोजेक्ट का ना तो सरकार ने कभी कोई फंडिंग करी है ना इस प्रोजेक्ट का कोई पेपर वर्क है, फॉरेस्ट ने आके इसको अपना पूरा सपोर्ट दिया क्योंकि उन्होंने देखा हाँ ये हमारे मैंडेट में आता है कि हमें ये काम करना है और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ हम ये दिखा सकते हैं। ओके रेस्ट थ्रू दिस फेज, सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग एलिमेंट मेरे लिए रहा था वो वॉलंटियर्स का था, मैंने किसी से कभी कुछ नहीं बोला कि आप आपके वॉलंटियर करो, आई वॉज टू बिजी कि मैं सिस्टम को ही एक दूसरे के साथ जोड़ती रहूं, लेकिन ऐसा कई बार होता था कि सोलो ट्रैवलर्स आके जलोड़ी पास टाइप कर रहे हैं और फिर प्रोजेक्ट जलोड़ी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमें आके इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि मुझे भी क्लीन अप करना है, ठीक है जी। सोलो क्लीन अप्स ये अभी कम फोटोग्राफ्स हैं बट सोलो क्लीन अप्स से इतने सारे बैग्स इकट्ठा हुए हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ग्रुप क्लीनअप में भी नहीं कर पाएंगे ओवर अ पीरियड। सो एक एक इंसान का जो योगदान था
वो कैसे इसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये इसका प्रूफ है. ये हमारे काली मंदिर के पुजारी हैं, और आप कभी भी किसी पंडित पुजारी को नहीं देखोगे आके आपके काम करते, लेकिन हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को, वेस्ट को एक मटेरियल बना दिया था. सबको एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्लीज यार सब पेपर, प्लास्टिक, ग्लास सब इकट्ठा मत करना. जब भी जो क्लीन अप कर रहा है वो सिर्फ या तो चिप्स के पैकेट अलग से रखना, कांच की बोतल अलग से रखना, ताकि आगे जाके हमें उसको डिस्पोजल करने में आसानी हो. तो इसी समय हमें ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये ढाबे के नीचे था, जो हमें टेम्प्रेरी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस ने बना के दिया था. एंड एट नो कॉस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, देयर इज नो फंडिंग इन्वॉल्व हियर. एवरीथिंग इज हैपनिंग क्योंकि हमने सिर्फ उतना मैंडेट टच किया है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो पुजारी जी ने आके एक दिन ये पूरे बैग्स, मैं अकेली बैठी थी तो ही वॉलंटियर्ड, ही सेड मैं करता हूँ. अब जाके हमें रिकॉग्निशन मिलता है. अब ये इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड्स हैं. अर्थलिंग फर्स्ट इज द नेम ऑफ द कंपनी, माय कंपनी, जिसने ये प्रोजेक्ट शुरू कर, जिसके साथ मैंने शुरू किया था. वो अलग बात है कि द कंपनी वेंट इनटू लॉस और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई. सो मेरी कंपनी तो लॉस में चली गई और डूब गई, लेकिन नॉट बिफोर वी मेड अ मार्क. सो ये पर्टिकुलर जो हमें अवार्ड मिला था, प्रोजेक्ट जलोड़ी को मिला था, द वन टू वॉच, मतलब इन जस्ट वेट एंड वॉच दीज पीपल. सस्टेनेबल लीडरशिप अंडर कंजर्वेशन, नॉट वेस्ट मैनेजमेंट, नॉट नथिंग, कंजर्वेशन. बिकॉज द टोटली द आइडिया वॉज दैट जो हम, मैंने आपको सारी फोटोग्राफ दिखाई हैं अभी तक, आपने मेरी फोटो तो उसमें कोई नहीं देखी होगी. सो दैट इज वॉट एवरी वन वॉज लाइक, यार ये कैसे हो रहा है. जब कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, जब किसी ने किसी को, यू नो देयर इज नो पावरफुल पर्सन इन्वॉल्व, अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया. सो इसीलिए अवार्ड मिला. अब हर चीज आपको इस जो प्रोजेक्ट जरूरी के बाद बारे में सिर्फ दो तीन आर्टिकल्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं. बिकॉज आई एम ऑल्सो जर्नलिज्म बैकग्राउंड, आई नो पी आर कितना इम्पोर्टेंट होता है. मुझे ये पता था कि अब मेरी जेब खाली हो रही है और अब मुझे राशन, पानी, रेंट, जो मैं नीचे छिब्बी में मैंने घर लिया वहाँ पे मैं रेंट कैसे देना, मैंने ऊपर जलोड़ी जाना जो इतनी स्टीप हाइक है, मेरी गाड़ी तो थी पर उसमें तेल किसने डाला. सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पीआर में काम आती हैं, जिससे इवेंचुअली मैंने क्राउड फंड्स किए, और क्राउड फंड्स मैंने अपने दोस्तों के साथ और कुछ वेलविशर्स के साथ किए कि भाई आई डोंट हैव मनी ना, और मुझे ये अभी कम्प्लीट करना है. अभी फेज टू ही चल रहा है, हाउ डू आई डू दिस. So I made some crowdfunding requests, and after that, please. So I made a crowdfunding request, and my friends helped me. Somebody would pay 200 rupees, somebody would pay 300 rupees, and like that, I took care of my ration and my fuel, and I was good to go. Because at the end of the day, if everything else is happening without funds. Right? Okay, now phase 3. This is where we get the district commissioner involved. Again, district commissioner is a big post, has a lot of power, has a lot of responsibilities. But remember, everyone lives in their own bubble. You don't give them something to sign on, they will not do it. They will not, they have too many responsibilities. Just like you and me, they have their own responsibilities. So this is the time, phase 2 end mein humne district commissioner ko involve kaise kiya? Only updates. Sir, this is done. Sir, this is done. District commissioner Ashutosh Garg was waiting. Hum kuch to maangenge. Koi to project se aake khud ke kuch to bolega. Meri jagah kisi aur local group ne apna clean up drive bana ke unko jaake bola, sir hum ye sab kar rahe hain. To maine us group ko pakda pehle jaake. मैंने कहा यार ऐसे मत करो, इतनी मेहनत जो हो रही है, आप पूरा फोटोज चुरा के क्रेडिट लेके जा रहे हो. सो देवर लाइक नहीं 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 जी, अब हम लोकल हैं यहाँ पे. मैंने कहा आप तो यहाँ मिलते भी क्यों आप. सो पॉलिटिक्स भी यहाँ पे हमें दिखती है, पॉलिटिक्स और
चैलेंजेस के बिना तो कोई प्रोजेक्ट होता नहीं. सो फेज थ्री सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम ये था, स्टोरेज भी नहीं हो रहा है प्रॉपर, सेग्रीगेशन भी नहीं हो रहा. सेग्रीगेशन मतलब वेस्ट मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरीज में हमें डिवाइड करना है. वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास वॉलंटियर्स आते हैं. डिस्पोजल ट्रायल्स क्राउड फंड से होते हैं. मैं क्राउड फंड के लिए इनिशिएट करती हूँ, मुझे मेरे दोस्त और वेल विशर्स आके उसके लिए क्राउड फंड्स देते हैं. और इसकी पूरी डिटेल एक केस स्टडी में पब्लिश होने वाली है अभी, कि एग्जैक्टली किसने कितने पैसे दिए और कब दिए. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइक आई सेड इंडिविजुअल जो सोलो ट्रैवलर्स आके कर रहे थे, वी हैव मेंशन ऑल ऑफ दैट. एंड देन बाय द एंड आई थिंक January 2023 लास्ट ईयर, I write a letter and I demand three things from the district commissioner. One is a waste storage shed, another is transportation. Shed के लिए मैंने बोला खनाक गांव में आपने एक डालना है, because सरोलसर लेक से सारे locals खनाक पहुँचते हैं. पहले इस चीज़ को मना कर दिया गया, फिर मैंने फिर से उसमें argument दिया जाके कि यहाँ से जलोड़ी पास कोई नहीं आता, सब नीचे खनाक जाते हैं. It's easy for them to take all the bins there. So right now they are making something in that region. I'm not sure कितना वो वहाँ तक पहुँचा है, but it's happening. The other thing is that you make a shed or something here. Second is आप transportation में आप मदद करो. और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं कुछ और creatives लगाऊंगी, but my own personal situation was very very different. So we did that. Then we get the final section. So disposal trials है ये, क्राउड फंड किया था हमने इस चीज़ को. ये गाड़ी जो है ये क्राउड फंड से आई थी, मात्र 5,500 रुपये में हमने 1 year's worth, because सारा वेस्ट सेग्रीगेटेड था. तो यहाँ मनाली का जो ये प्लांट है जिसमें इतनी बदबू आती है जब हम जाते हैं, वो बहुत खुशी से उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये सीधा का सीधा यहाँ से बाहर चला गया, बिकॉज ऑल द वेस्ट वॉज सेग्रीगेटेड ऑलरेडी. They did not have any food items in it. No smell. All these bags, there's no smell in it. Because from day one, everyone was told, if you are going to collect, aap alag alag material collect. Strategy. So in this is April 13th, 2023, we get the final sanction. I am copied in this section, and basically जो district tourism and development officer हैं, आपके divisional forest officer हैं, जल शक्ति विभाग, इन सब को कुछ commandments दिए जाते हैं इस area को develop करने के लिए. At the same time वहाँ पर government का कुछ और plan चल रहा है. वहाँ पर उन्होंने सारे ढाबे हटाने हैं जलोड़ी पास से. इस बात की information मुझे उससे एक दो साल पहले से ही थी, और मैंने जाके लोगों से बात करी कि ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, एक साइंस लैब में अगर आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप उसके अंदर चीटिंग नहीं कर सकते. आप जाके उसके अंदर अलग से यू नो यू कैन डू एनीथिंग, सो आई कैन नॉट हेल्प यू हियर, मे बी आफ्टर द प्रोजेक्ट इज ओवर. एंड देन दे वर आल्सो लाइक नो आई दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम. सो वी हैड अ अंडरस्टैंडिंग, दिस सैंक्शन इज गिवन, एंड देन फाइनल इंटरवेंशन हैपेंस. मैंने एक ब्लॉग लिखा था इसके ऊपर, सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखा था इस समय तक. एंड एक्सपेरिमेंट क्लोज करने का मतलब ये था कि मैंने सैंक्शन जो लेटर था उसके कॉपीज बना के सारे स्टेक होल्डर्स को जाके बांटे. बट नाउ आई एम गोइंग टू मूव आउट. दिस डजंट हैपन. यू विल ऑलवेज सी अ हीरो कम एंड से आई एम गोइंग टू सेव दिस, आई एम गोइंग टू सेव दैट. And it just keeps going on. 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, उसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है. This experiment was about doing everything and then stepping out. So this is, I went and met everyone, सबको मैंने sanction paper दिए और मैंने उनको बोला अब मैं यहाँ से जाती हूँ और अब मैं सिर्फ observation के लिए आऊँगी, ना मैं कोई clean up करूँगी, ना मैं आके किसी को बताऊँगी कि क्या करना है, अब आप सब करें. So the idea was, क्या जो हमने idea सोचा था सोशल साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स प्लस सिस्टम्स थिंकिंग, क्या वो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल क्रिएट करता है? उसके बीच में यूनेस्को हमें रिकॉग्नाइज करता है.
यूनेस्को ने अपने पिछले साल के स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में प्रोजेक्ट जेलोनी एज अ क्लाइमेट एजुकेशन मॉडल शेयर किया है. मतलब वेस्ट मैनेजमेंट तो हमने इसमें किया ही किया, लेकिन ये क्लाइमेट की तरफ से भी ट्रेनिंग ऐसी हो सकती है जहाँ लोग अपने लिए काम करें. दिस वॉज अ बिग रिकॉग्निशन. ऑलराइट, सो ऑब्जर्वेशन पीरियड ये मैंने एक साल तक किया और इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते. मतलब एज एन एक्सपेरिमेंट क्लोज यू कांट गो इन टच इट. बिहेवियर चेंज इज स्टिल देयर. अभी मैं लास्ट ऑब्जर्वेशन करके आई हूँ सेप्टेम्बर में. बिहेवियर चेंज ऐसा है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं. वो अपना अपना ही कर रहे थे, वो अपना अपना ही कर रहे हैं. थोड़ा बहुत लिटर मिलता है वहाँ पे, लेकिन मेंटेनेंस चालू है. कभी फॉरेस्ट कर देता है आपके, कभी लोकल्स कर देते थे, कभी जिसने प्रोजेक्ट जलूड़ी के बारे में सुना है या वो एरिया देखता है तो खुद कर लेता है. फिर वहाँ महिला मंडल इतनी स्ट्रांग हो गई है अभी टॉप पे कि वो सारा का सारा जो बहुत गंदा होता था पहले जलोड़ी पास के पास एरिया बहुत खराब होता था, अब वो खुद मैनेज वहाँ पे कर रहे हैं. एंड इट्स माई गारंटी, प्लीज गो टू जलोड़ी, यू मस्ट गो, यू मस्ट विजिट जलोड़ी पास. डू योर ऑब्जर्वेशन योर सेल्फ. सी इफ आप सब टूरिज्म के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, आपने देखा है कि जगहों की क्या बुरी हालत हो रही है. आज आप हाइक पे किसी को लेके जा रहे हो, वहाँ से कचरा मिल रहा है. बट आई एम टेलिंग यू, यू टेक योर फ्रेंड्स टू जलोड़ी पास इन ईदर ऑफ द ट्रेल्स. थोड़ा बहुत लीडर हमेशा मिलता है, कोई ना कोई बेवकूफ आके काम करता ही है. बट यू विल सी इट इज मच मोर क्लीनर टूडे देन मेनी डेस्टिनेशन, नॉट ओनली इन हिमाचल बट अक्रॉस इंडिया. कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग निकल के आई इन प्रोजेक्ट्स से. सबसे पहले रिपल इफेक्ट एक चीज़ होती है. मैंने आपके दिमाग में एक आइडिया डाला और अब आप उस आइडिया के बारे में सबकॉन्शियसली सोचोगे. सो एक आइडिया मैंने डाला था कि यार अगर हम इस कचरे को अभी कहीं भेज नहीं सकते तो हम इसे जलाएंगे ना, और हम इसे मे बी वी कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल आउट ऑफ इट. वन पर्सन वन पोस्टर वी मैंशनड इट. And then over the years, what happened was people started using a lot of things. So this is a Rockstar Dhaba. Achchay Bhai is in Rockstar Dhaba. Abhi ye wala dhaba yahan nahi hai, sab shift ho gaya hai. Lekin wo apne time ke saath dekho kya karte the. He used to upcycle things. Wo dekh ke tourist aake iski photograph khinch ke humne bheje. So creativity. And at the end of the day. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जगहें जो हैं सिर्फ ये नहीं, आप जो भी आप जहाँ से हैं सब अपने अपने लोकेलिटीज से आप सब टूरिज्म से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. इन जगहों को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है. ये लेक सरोत्सर लेक पहले पूरा ओवरफ्लो होता था किसी ज़माने में, कुछ मे बी 100 years अगो इट वॉज ओवरफ्लोइंग. नाउ द वाटर हैज कम डाउन, द स्नो इज नॉट रिटेनिंग, we are still burning garbage. So we, this was one effort to see कि क्या हम ये कम से कम में कितना impact कर सकते हैं. ये impact है उसका. And idea has basically worked.